सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में आप लोग के लिए लेके आया हूँ पेटीएम साउंड बॉक्स के ऊपर एक वीडियो। तो ये वीडियो मैं सीरियसली बहुत दुखी होकर बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने अभी कल ही ऑर्डर किया था पेटीएम मॉल से पेटीएम को, और मतलब 2-3 दिन हो गया है ऑर्डर किए और शिप हुआ था कल। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ डिटेल लिखा है सब कुछ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहले सबसे पहले आपको इसका डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये बॉक्स मिलता है, उसमें ये आपको एक पेटीएम का साउंड बॉक्स मिलेगा और एक सिम कार्ड मिलेगा और एक चार्जर मिलेगा, उसके साथ साथ इसका वायर मिलेगा, ये वायर, ठीक है, जो कि चार्जर में कनेक्ट होके इसको चार्ज करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो इसको वर्क करने के लिए सबसे पहले इसको आप साउंड दबा देंगे। तो मैं ये आप लोग को इस वीडियो को इसलिए मैं बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग अगर नेसेसरी है तब इसको खरीदें, बहुत ज़्यादा अगर आपका दुकान का बिक्री बहुत ज़्यादा है और सब लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तब खरीदने से। जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं पेटीएम करो ऐप लिखा, इसमें सिम विम भी लगता है एक ठो जो कि कंपनी द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब हो गया डिटेल, अब मैं बताता हूँ इसका कमियाँ। तो जैसा कि अब मैं बताने वाला हूँ कि ये मैं मुझे पड़ा 299 रुपीज़ का, ठीक है, 299 रुपीज़ मुझे पड़ा और मुझे कल मिला, ठीक है। और पेटीएम वाले ये कह रहे हैं कि आपका अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ है तो आपका 125 रुपये कट जाएगा बैंक से ऑटोमेटिकली, बिना किसी ओटीपी के, बिना किसी पूछने के वजह से। मतलब जैसे कुछ होता है कि पूछ रहे हैं कि हम आपसे कि हाँ आप मेरा 125 रुपये काट लो क्योंकि रिचार्ज करना है, इन्होंने ये बिना पूछे मेरे से काट ले रहे हैं पैसा 125 रुपये, वो हो गया। और बात ये रही ये, अब मैं इन लोग से कह रहा हूँ कि मुझे वापस करना है ये, मुझे यूज़ नहीं है ये। जैसे कि मेरा छोटा दुकान है और मेरे यहाँ ज़्यादा लोग पेटीएम से नहीं करते, मुझे पता नहीं था और मैंने ऑर्डर कर दिया, और ऑर्डर करने के बाद इन लोग कह रहे हैं कि आप लोग का जो ये पेटीएम साउंड बॉक्स है वो जैसे कि आप लोग को मुझे 299 रुपीज़ पे पड़ा है, तो ये कह रहे हैं कि आप हमको वापस करेंगे, हम आपको रिफ़ंड नहीं देंगे, 299 रुपीज़ भी नहीं देंगे, और ऊपर से एक बात और, इसका डीएक्टिवेट का 250 रुपये अलग से ले रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी कि मेरा टोटल 550 रुपये का लॉस हो जा रहा है, 550 रुपये का लॉस हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। अभी मैंने सिर्फ क्या हुआ, एक दिन हुआ बस मुझे मेरे पास आए रिसीव हुए और मेरा 550 रुपये का लॉस हो रहा है। देख सकते हैं कितना कमीना, मतलब कितने गंदे हैं ये लोग, और मतलब कम से कम ग्राहक का जो वापस करा अभी नया जैसा का तैसा है, एकदम न्यू सब कुछ, प्लास्टिक रैपर सब मेरे पास रखा हुआ है इसको ढकने के लिए, तब भी उन्होंने कुछ भी नहीं सुन रहे हैं वो सब। और देख सकते हैं कितना गलत तरीके से हम इन लोग ट्रीट कर रहे हैं अपने ग्राहक को। और मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग का दुकान बहुत ज़्यादा छोटा है, अगर ज़्यादा लोग ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते हैं तो प्लीज़, मतलब ऑनलाइन नहीं करते हैं तो प्लीज़ मत ऑर्डर करें, मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत ख़राब है, इसमें आप लोग घाटा में जाएंगे। पर सबसे गलत बात ये, हर मंथ इसमें 125 रुपये ऑटोमेटिकली कट जाता है, जो कि मान लीजिए किसी के पास अगर मान लीजिए 125 रुपये नहीं आता है, ऑनलाइन पेमेंट कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, जैसे कि आपने खरीद लिया तो इसे खरीदने की कोशिश भी मत करेंगे। ये आप मुझे लिखा था 100% कैशबैक, तो 100% कैशबैक कैसे दे रहे हैं लोग, पर मंथ आप 125 रुपये का रिचार्ज कराएंगे तब मुझे 60 रुपये, अगर 50 लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तब जाके मुझे मिलेगा, ऑनलाइन पेमेंट 50 लोग कहीं नहीं कर पाए मेरे महीने में तो वो 60 रुपये चला जाएगा मेरा। आप लोग का भी ऐसे हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको मत खरीदें, ये सब जो भी लिखा है सब स्कैम है, आप स्कैम नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। आप लोग, मैं आग्रह ये करूँगा, अगर आपका छोटा दुकान है, अगर ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा नहीं होता है, महीने में 2-3 होता है, 4 होता है, 10 होता है, 100 होता है, तो आप लोग मोबाइल ही में चेक कर लें, ऐसे ऐसे चेक इससे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, मेरा 550 का लॉस हो रहा है, और कितना भी मैंने रिक्वेस्ट किया उन्होंने नहीं सुना। और सबसे गलत बात तो ये भी, और मुझे आपको डिटेल बताना है कि अगर आपका ये हल्का से कहीं से भी ब्रेक हो जाता है, सपोज उसका स्पीकर बंद हो जाता है, तो स्पीकर बंद होने के बाद आपको ये साउंड बॉक्स मिलेगा 199 रुपीज़, 1999 का। जैसे कि आप यहाँ पे प्राइस दिखा देता हूँ आप लोग को, देखिए यहाँ पे इसका प्राइस लिखा है 1199 रुपीज़, ये आप लोग देख रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इसको मत खरीदें, और ये हो गया प्राइस की बात। अब बोल रहे थे कि अगर आपका हल्का सा भी टूट जाएगा, अगर आपको डीएक्टिवेट करा रहे हैं, डीएक्टिवेट कर 250 रुपये लोग ले रहे हैं, भले आपका अभी आज ही क्यों ना डिलीवर हुआ, तो 250 रुपये उसका हो गया, ठीक। और रही बात और की, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डिलीवरी का हो गया और 750 रुपये इन लोग अलग से लेंगे, अब आपका हल्का सा टूट जाएगा वो, और उसके बाद फिर आपको डीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा, तब जाके ये 1000 रुपये अलग से आपका लग जाएगा, यानी कि आपको खरीदने कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मत खरीदें, ये टोटली स्कैम है, प्लीज़
मैं आप लोग के भलाई के लिए कह रहा हूँ, मत खेलने से। मैं इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप लोग को टोटल इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसका ज़रूरत क्या है। अगर आपके पास है बहुत बड़ा दुकान, जैसे कि महीने में 1,00,000, मतलब जितने लोग आते हैं सब लोग ऑनलाइन लगभग पेमेंट करते हैं, 1,00,000 लोग देते हैं कैश, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत केस मत यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहा है ये पेटीएम का वो है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि इसको मत ऑर्डर करें। मेरे साथ इसने बहुत ज़्यादा लूट लिया है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो समझ सकते हैं आप लोग, छोटे छोटे दुकान को इन लोग लूट रहे हैं और कितना गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए। तो प्लीज़ इसको आप लोग मत ही ऑर्डर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करें ताकि सबको पता चले कि इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपका लॉस ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।